Hey guys, welcome to my channel. My name is Saurabh and you're watching Tanki B Vlogs. So guys, it's day 3 in Goa. Yes, हम दो दिन गोवा में रह चुके हैं. ये मेरा तीसरा दिन है गोवा में. पहले दो दिन मैंने जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई थी, पहले दिन जो थी मेरी वो रेडिसन पार्किंग पर रेडिसन थी. सेकेंड जो थी वो आईबी स्टाइल, जो कि आईबी चेन है. तीसरे दिन आज मैं एक नई प्रॉपर्टी में आया हूँ. जो हमारी पहले दो दिन की प्रॉपर्टी वो 4-star प्रॉपर्टी थी, ये एक 5-star प्रॉपर्टी है. इट इज़ डबल ट्री बाय हिल्टन. ये हिल्टन का एक चेन है. आइए इनको एक्सप्लोर करते हैं. ये प्रॉपर्टी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इसका नाम सुना है मैंने. तो इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसी प्रॉपर्टी है, हमको ऑफर करती है, इनके रूम्स कैसे हैं, इनकी सर्विस कैसी है, और फाइनली जो इनका ब्रेकफास्ट जो बुफे का वो कैसा होगा. आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं. लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट. ये है यहाँ का एंट्रेंस. अगर आप देखें काफ़ी बढ़िया एंट्रेंस है. ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया. इस साइड अगर आप जाएंगे तो ये आपको ड्रिंक सेक्शन मिलेगा. अगर रिसेप्शन से अगर मैं आगे चलता हूँ टूवर्ड्स लिफ्ट एरिया, और अगर यहाँ से मैं राइट साइड जो कि ये है यहाँ पे जाऊँगा, तो ये मेरा डाइनिंग एरिया है, विच इज़ इनका सी दे कॉल इट एज फ्लेम, जो कि यहाँ का डाइनिंग एरिया, जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर सर्व होता है. तो यहाँ का डाइनिंग एरिया है. आइए अंदर देखते हैं यहाँ का डाइनिंग एरिया. दिस इज अ डाइनिंग एरिया. यहाँ के यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट लंच डिनर हियर. ये हमारा डाइनिंग एरिया था जो कि यहाँ पे पूरा चल रहा है आगे. एंड देन दिस इज अ किड्स एरिया, गार्डन है. इसके पीछे पूरे बैक वाटर्स हैं. एंड जो ये जो रूम्स होते हैं, इनका जो पीछे वाला जो पोर्शन है उसको बैक वाटर्स व्यू वाले रूम के नाम से यहाँ पे ये लोग देते हैं. तो अगर आप बैक वाटर्स का रूम देखते हैं या चूज़ करेंगे तो आपको इन रूम्स में से मिलेगा, जो कि ये जो रूम्स हैं. एंड इसका व्यू मैं दिखाता हूँ कैसा आएगा. इसका व्यू कुछ इस तरह का आएगा, अगर आप देख पा रहे हो. ये ग्रासलैंड आएगा, एक पैच ऑफ ग्रासलैंड, एंड देन यू विल सी दैट बैक वाटर्स. ये आगे बढ़ते हैं. मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे है, तो ये सेकंड फ्लोर पे जाते हैं एंड देखते हैं रूम्स कैसे हैं. उसके लिए हमको दो ऑप्शन है, या तो हम लिफ्ट लेंगे या फिर वी कैन टेक स्टेयर्स. आई प्रीफर टेकिंग स्टेयर्स. सो आइए स्टेयर्स लेते हैं, देखते हैं. ये प्ले एरिया है जैसे मैंने आपको दिखाया. प्रॉब्लम मैं भी यहाँ पे जाकर भी खेलूँगा थोड़ी देर बाद, टेबल टेनिस या स्नूकर. तो जैसे कि मैं दिखा रहा था आपको, ये स्टेयर्स हैं एंड ये लिफ्ट एरिया जो हमने देखा रिसेप्शन के सामने जो आता है. विल टेक स्टेयर्स. स्टेयर्स काफ़ी बढ़िया है. आइए स्टेयर्स लेते हैं. काफ़ी ब्यूटीफुल डेकोर है इनका. ये अगेन अगर हम लिफ्ट लेते तो हम यहाँ पे आते डायरेक्टली, बट हमने चूँकि स्टेयर्स पे हम अच्छे से घूम के आए. यहाँ पे एक सिटिंग एरिया नियर लिफ्ट, अगर आप चाहें तो यहाँ बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. एंड देन ऑल दीज आर रूम्स. ये सब पूरे रूम्स हैं बोथ द साइड्स. तो आइए रूम्स में चलते हैं. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रूम. तो आइए रूम, अब मैं डायरेक्ट रूम में जाता हूँ, आपको रूम टूर देता हूँ. सो गाइज लेट्स गेट इनटू द रूम एंड सी हाउ इज़ द रूम. लेट्स गेट इनसाइड. सो एज वी एंटर दिस वी हैव अ स्ट्रेट पैसेज हियर. ये एक स्ट्रेट पैसेज मिलता है हमको यहाँ पे, ये क्लॉसेट रखने के लिए. यू कैन कीप योर क्लोथ्स हियर. यू ऑल्सो हैव अ लॉकर हियर. यहाँ पे एक अंदर आपको लॉकर ही मिलेगा. अगर आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड में वी गेट स्पेस टू कीप अवर लगेज. यहाँ पे आपको कुछ चाय के लिए सामान मिलेगा, चाय कॉफ़ी के लिए. दिस इज़ द पैनल फ्रॉम वेयर यू कैन कंट्रोल ऑल द लाइट्स. सो यू कैन सी यू कैन कंट्रोल ऑल द फैन. यू कैन हैव डिफरेंट मोड्स हियर एंड देन यू कैन कंट्रोल लाइटनिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ. यू ऑल्सो हैव अ वॉच फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स. सो दिस इज ऑल ऑटोमेटिक हियर. साइड वी हैव दिस ह्यूज मिरर एंड दिस इज़ अ वॉशरूम. सो इफ आई ओपन दिस, दिस इज़ अ वॉशरूम. लेट मी स्विच ऑन द लाइट्स.
So this is a washroom. We also get a dryer here. And then we also have a space for shower. So that was the washroom. अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं हियर, तो यहाँ पे हमारा बेडरूम है जहाँ पे हमको बेड मिलता है. दिस इज़ अ बेड एंड इसके इस साइड में हम वहाँ से आए हैं एंड वो हमारा वॉशरूम था. दैट वाज अ स्पेस टू कीप लगेज एंड क्लॉसेट. ये थोड़े डेकोर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे लगाए हैं. कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के सामान है. दिस साइड वी गेट अ टेबल विच हैज़ ड्रॉअर्स. यहाँ पे फ्रिज आता है. दिस इज़ अ फ्रिज. बाकी ये स्पेस है जहाँ पे अपना कुछ सामान आप रख सकते हो. दिस इज़ अ शेल्फ दैट यू गेट टेबल. दिस इज़ अ टीवी. ये एक स्टडी कम वर्क टेबल मिलता है आपको यहाँ पे. यू गेट अ चेयर एंड यू गेट ऑल द चार्जिंग पॉइंट्स. अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो दैट ऑल्सो यू कैन डू. प्लस यू हैव अ मिरर एंड दिस इज़ योर बेड. सो ये बेड है. यू ऑल्सो गेट अ साइड टेबल यहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हो. आई हैव केप्ट रिमोट्स एंड अदर थिंग्स हियर. ये आपको एक काउच मिलता है. प्लस यू गेट अ टेबल विद दैट काउच. सो यहाँ से गाइस विल गो टू द बालकनी. ये है बालकनी एरिया एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द पूल व्यू. एंड यू ऑल्सो गेट अ सिटिंग हियर. आपको यहाँ पे दो चेयर्स मिलते हैं विच यू कैन यूटिलाइज. आप बालकनी में बैठ के यू कैन एन्जॉय द पूल व्यू. दिस इज अ पूल. तो दैट इज़ अ पूल. ये पूरा पूल एरिया है. यहाँ पे आप बैठ के आराम से पूल भी देख सकते हो. जब आपका मन करे आप जा सकते हो पूल में एंड यू कैन स्विम. सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. ये प्रॉपर्टी काफ़ी अमेजिंग है. यहाँ पे आपको दो तरह के व्यूज़ मिलते हैं. एक है ये पूल व्यू जो कि मैं पूल के पास खड़ा हूँ अभी. एक होता है आपको लगून व्यू जो कि बैक वाटर्स व्यू है जो हम मैंने आपको दिखाया है. आप दोनों में चूज़ कर सकते हैं कौन सा व्यू आपको ज़्यादा पसंद है. आप ले सकते हैं. मैं जब यहाँ पे आया था मैं थोड़ा कन्फ्यूज रहता था आई शुड गो फॉर पूल व्यू और बैक वाटर्स व्यू या लगून व्यू. जो कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो काफ़ी दोनों व्यू काफ़ी अच्छे लग रहे थे. जब यहाँ पे आया मुझे पूल भी ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने पूल भी लिया. मैं मॉर्निंग में स्विमिंग के लिए भी गया था और काफ़ी अच्छा पूल है ये. मैं दोबारा पूल के पास आया और सोच रहा हूँ दोबारा एक बार स्विमिंग करने जाऊँगा. मैंने आपको रूम टूर भी दिया. होप आपको रूम टूर अच्छा लगा. रूम काफ़ी अच्छा काफ़ी स्पेशियस है. देयर आर स्पेशियस बेड काउच एंड अदर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं. सो अगर आप यहाँ पे आते हैं गोवा में एंड लुकिंग फॉर फाइव स्टार प्रॉपर्टी नियर बागा. दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी गुड फैसिलिटीज़. आप डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी चेकआउट कर सकते हैं. दिस इज़ नियर बागा बीच. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. इसका जो ब्रेकफास्ट का वीडियो मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पार्ट टू. नहीं तो अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो उस वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा. होप आपको ये गोवा सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही होगी. मैं जहाँ जहाँ भी रह रहा हूँ उस चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ. जितने होटल में मैं रहा हूँ उसके पहले मैंने अगर आपके पहले ही वीडियो देखें मैंने पार्किंग बाय रेडिसन और आईबिस स्टाइल जो कि आईबिस का चेन है उसका भी वीडियो बनाया. आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. दिस इज दोज़ वर फोर स्टार प्रॉपर्टी. ये एक फाइव स्टार प्रॉपर्टी है. सो डू चेक दोज वीडियोज. अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हमको फिर से मिलेंगे पार्ट टू में इसके ब्रेकफास्ट बुफे के साथ. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.